हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन मैंने इसे इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल के बनाया है। ये जो रेसिपी है डोसा, ये जो फिलिंग बनती है आलू की, बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग मैंने बनाई है। आप भी ये वीडियो पूरी देखना कि मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और कौन कौन से सीक्रेट्स डाले हैं इसमें। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे आलू उबाल लिए हैं, आलू उबाल के रख लिए हैं और उसे मैश करके रख लिया है। और गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे, यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे 1.5 चम्मच। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें मैं राई के दाने, धनिया, जीरा ये डालेंगे तुड़के में। इसे 50 से 60 सेकंड तक इसे भूनना है, जब तक ये क्रकल ना हो जाए, इनका जो फ्लेवर है वो तेल में ना आ जाए। और उस दौरान मैंने 2 बड़े प्याज काट के रखे हैं बारीक बारीक, जिसमें थोड़ा सा अदरक और करी पत्ता और हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। इसमें मैं आधा जो मटेरियल है प्याज और करी पत्ता ये सब आधे डालूंगी इसमें, और इसे तब तक हिलाएंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। जो प्याज है उसका जो पानी है, ज़्यादा सुखाना नहीं है, उसको ज़्यादा जलाना नहीं है। यहाँ पे ये हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये जो स्वाद अनुसार जितने आपके आलू की मात्रा है उतने नमक और जितनी आपको मिर्ची पसंद है और हल्दी अपनी सामग्री के अनुसार, गरम मसाला वो भी आपकी सामग्री के अनुसार। इसे हम हिलाएंगे ताकि जो प्याज में जो पानी है थोड़ा सा रिलीज हो जाए और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जो डोसे में जो फिलिंग होती है आलू की, उसमें जो प्याज है वो उसमें कच्चापन ही अच्छा लगता है। जो अब इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मेरा, वो है हरा नारियल, जो कच्चा नारियल का कद्दूकस किया हुआ, जो बहुत ही स्वाद लेकर आता है। साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर नारियल का प्रयोग करते हैं। और ये जो मैंने आलू उबाल कर मैश किए थे वो भी अब इसमें डाल दूंगी। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें नमक मिर्च मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और थोड़े से आलू जो थोड़ा सा जब थोड़ा गर्म होता है तो थोड़ा नमक से जो उसमें जो पानी निकलेगा तो नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जो मैंने प्याज बचा के रखा था वो भी इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। और इसको आप बिल्कुल आंच बंद कर देनी है ताकि जो प्याज है जो कच्चा ही रहे और ये फिलिंग में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्द ही आऊँगी।